पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट का वीडियो नंबर है 16। तो इसमें 15 वीडियो आ चुकी हैं और उसके आगे स्टार्टिंग है, ठीक है। तो सब क्वेश्चन चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं छोटे छोटे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस वीडियो का, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आंसर इसका बनेगा उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा के वनों में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार पाया जाता है, कितना विस्तार इनका है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार पाया जाता है 10 अंश उत्तर तथा 10 अंश दक्षिण अक्षांशों के मध्य है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार 10 अंश उत्तर तथा 10 अंश दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्रायोबैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए जो गैस सामान्य प्रयोग होती है, सीटू संरक्षण के लिए जो गैस सामान्यतः प्रयोग होती है वह है नाइट्रोजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण, वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है, का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है, प्राकृतिक आवास से पृथक यानी कि अलग किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? यह था एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, ठीक है। एक्स सीटू संरक्षण यानी क्रायोबैंक इसको कहा जाता है। क्वेश्चन यह भी आ सकता है क्रायोबैंक किसे कहते हैं, तो आंसर बनेगा एक्स सीटू संरक्षण को, ठीक है, एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, ठीक है। यानी कि जो वनस्पति तथा जानवरों का विलुप्त प्राय प्रजाति हैं, जो विलुप्त प्राय प्रजाति यानी विलुप्त होने वाली हैं, तो उनका संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से जहाँ पर वो रहती हैं यानी उनसे पृथक किया जाता है, यानी कि उनसे अलग उनका संरक्षण किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, किसके द्वारा किया जाता है? यानी एक्स सीटू संरक्षण, या इसको क्रायोबैंक भी कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है क्रायोबैंक क्या है, ठीक है, क्रायोबैंक क्या है, मेनली ये क्वेश्चन बनने का ज़्यादा चांसेस बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 5, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को कहा जाता है, किसी निश्चित क्षेत्र में, कोई निश्चित क्षेत्र है में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता विविधता को कहा जाता है,
जैव विविधता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में या किसी निश्चित क्षेत्र में या भौगोलिक क्षेत्र भी कहा जा सकता है, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को कहा जाता है जैव विविधता। विविधता यानी कि अलग अलग टाइप के पाए जाने वाले जीव जंतु, ठीक है, पाए जाने वाले जीव, तो उनको जैव विविधता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन बायोम में, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन बायोम में। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता में पर्यावरण होता है, जैव विविधता में पर्यावरण होता है, किसका पर्यावरण होता है, जैव विविधता में पर्यावरण होता है, क्यों पर्यावरण होता है, सॉरी पर्यावरण नहीं, परिवर्तन होता है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, क्यों परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है क्योंकि यह भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो जैव विविधता में जो परिवर्तन होता है वो क्यों होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, यानी भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर जैव विविधता बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ये आंसर इसका हो सकता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यह हो गया उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, या सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ये भी हो सकता है आंसर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शांत घाटी, बहुत आता है कंपटीशन में, शांत घाटी या साइलेंट वैली स्थित है, पीसीएस तक के एग्जामों में बार बार आता रहा है, शांत घाटी साइलेंट वैली स्थित है केरल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर लेना हमको 9। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है, और केरल में पाई जाती है तो वहीं से संबंधित होगी, है परियोजना किस राज्य से संबंधित है, आंसर है इसका केरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, फूलों की घाटी स्थित है, अब स्थित है फूलों की घाटी उत्तराखंड में। ठीक है, अब उत्तराखंड नाम नहीं, उत्तरांचल है शायद, ठीक है, पहले उत्तराखंड था, उत्तरांचल, फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड या उत्तरांचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, शांत घाटी कोमा कश्मीर कोमा सुरमा घाटी कोमा फूलों की घाटी ठीक है फूलों की घाटी में से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है, आंसर है शांत घाटी में। शांत घाटी, कश्मीर, सुरमा घाटी, फूलों की घाटी में से सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, शांत घाटी में। ठीक है, कितने क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। अधिकतम प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में। ठीक है, उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में। क्वेश्चन नंबर 13, आर्द्र क्षेत्रों में रामसर का दर्जा प्राप्त है। आर्द्र क्षेत्रों में जिन्हें एक कहा जाता है रामसर का दर्जा प्राप्त है। आर्द्र क्षेत्रों में जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है वे कौन कौन से हैं? एक तो है चिल्का झील है आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, रामसर का दर्जा प्राप्त है। केवला देव तथा बूलर झील ये तीन हैं जिसे आर्द्र क्षेत्रों में रामसर का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर है 14। ठीक है, रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सूची है। ठीक है, ये रामसर जो है इसके बारे में बता दें, जो पिछले क्वेश्चन में आया था रामसर का दर्जा, ठीक है उसके बारे में हो जाए। रामसर सूची एक है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि आर्द्र भूमियों की सूची किस क्या है? रामसर सूची, यह है क्या? अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सूची है ना, उसी में आ गया। रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। इस सूची में वर्तमान में भारत में कितने स्थल शामिल हैं? ठीक है, इस सूची में वर्तमान में भारत के शामिल स्थल हैं, यानी भारत के कितने स्थल शामिल हैं? वो है कुल 26 स्थल, 26 स्थल शामिल हैं। ठीक है, रामसर सूची जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है, इस सूची में वर्तमान में भारत के 26 स्थल 26 शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है। कौन सा स्थल है? भोज आर्द्र स्थल। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत एक ऐसा स्थल है जिसको रामसर स्थल कहा जाता है, वो है भोज आर्द्र स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था नम भूमि के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 16। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था नम भूमि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है वेटलैंड दिवस।
वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 2 फरवरी को, ठीक है। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 नंबर है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है वो है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवंशिक विविधता के क्षेत्र, ठीक है। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवंशिक विविधता के क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रवाल ब्रंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रवाल ब्रंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, ठीक है। अगर सागर के जल में सामान्य तापमान में वृद्धि होती है तो उसे प्रवाल ब्रंजन का प्रभावी कारक कहा जाता है।